feel hungry. हे वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी माइंस में। तो लीजिए एक बार फिर मैं आपके लिए हॉलीवुड की पांच बेहतरीन मूवीज लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली हैं। और हमेशा की तरह इन मूवीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप इन मूवीज को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी की सारी मूवीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी मूवीज में से आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट रहेगी, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि ये मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती है, जिस वजह से ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी रिमूव हो सकती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इन मूवीज को एंजॉय कर लीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की अपडेट्स डेली लाते रहते हैं। और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसी बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली मूवीज लाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर आती है 2021 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। और इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 5.8 की रेटिंग दी गई है। वहीं अगर बात करें मूवी की स्टोरी की दोस्तों, तो मूवी की स्टोरी फोकस करती है कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें एक एस्केप रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां उन्हें कुछ ऐसे गेम्स खेलने पड़ते हैं जिन्हें अगर उन्होंने नहीं खेला तो उनकी जान भी जा सकती है। और अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मूवी कितनी ज्यादा थ्रिल से भरी हुई होने वाली है। और ये इस सीरीज का लेटेस्ट पार्ट है, जिसे मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आ गया हूँ। तो जल्द से जल्द जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसी लगी। लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आती है 2017 में एडवेंचर फैंटेसी पर बेस्ड मूवी दी एस लैड इन द हॉल ऑफ द माउंटेन किंग। और इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.2 की शानदार रेटिंग दी गई है। और अगर बात करें मूवी के प्लॉट की दोस्तों, तो मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक फार्मर के बेटे के ऊपर, जो कि अपने भाई के साथ मिलकर एक प्रिंसेस को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, अब मूवी की पूरी स्टोरी क्या है और आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, और अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती है 2017 में साईफाई हॉरर पर बेस्ड मूवी एलियन कोवेनेंट, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.4 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी फ्यूचर की, जहां पर ह्यूमंस अर्थ की तरह एक हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढने के लिए स्पेस में गए हुए हैं, और अचानक से उन्हें एक प्लेनेट से कुछ सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग उस प्लेनेट पर उतर जाते हैं। लेकिन वहां पर उनका सामना हो जाता है कुछ एलियन से, जिनसे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अब वो लोग वहां से कैसे बचकर निकलते हैं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को देखने से पहले इस मूवी के फर्स्ट पार्ट प्रोमीथियस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये मूवी और भी अच्छे से समझ में आएगी। लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है 2004 में आई एक्शन फैंटेसी पर बेस्ड मूवी हेल बॉय, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.8 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है हेल बॉय के ऊपर, और ये मॉन्स्टर कोई बुरा मॉन्स्टर नहीं होता है, बल्कि अर्थ को बाकी के मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब हेल बॉय का ही एक दुश्मन उसे मारने के लिए आता है। तो दोस्तों, अब मूवी में आगे हमें यही देखना है कि हेल बॉय अपने आप को और अर्थ को एक बार फिर कैसे बचाता है। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती है 2017 में एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड मूवी बेबी ड्राइवर, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.6 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है बेबी के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ड्राइवर होता है, और उसकी इसी स्किल की वजह से कुछ लोग उसे एक हीस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, और मजबूरन बेबी को उनके साथ काम करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया होता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आगे की स्टोरी क्या होती है, यह जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज के साथ।